हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, जिसमें हेड इंजरी इज अ एनी इंजरी और ट्रॉमा टू द स्कल स्कल एंड ब्रेन। मतलब जो हेड इंजरी होती है, कौन सी भी इंजरी या ट्रॉमा जिसके कारण स्कल एंड ब्रेन को उसको इंजर्ड करे, तो उसको कहते हैं हेड इंजरी। अब इसके कॉजेस की बात करते हैं, तो है सबसे पहले एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA। इसके बाद फॉल्स, कोई गिर जाए, गन शॉट के कारण, वॉर, कई लड़ाई में, स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर से या उस कंडीशन में वायलेंस, कोई झगड़ा हो जाए, उस कंडीशन में क्या है, हेड इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे क्या है, हेड इंजरी के कॉजेस हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी की बात करें तो ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग स्कल इंजरी एंड ब्रेन इंजरी। जो ब्रेन होता है उसकी इंजरी होती है, स्कल होती है उसकी इंजरी होती है, और जो आगे का जो टिश्यू वगैरह हो गए उसकी इंजरी होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट, बेस्ड ऑन ओरिजिन। सेकेंड है बेस्ड ऑन टाइप, ठीक है। सबसे पहले ओपन हेड इंजरी, ठीक है, और सेकेंड है हमारा क्लोज हेड इंजरी। ओपन में मतलब ओपन हो जाएगा हेड इंजरी, मतलब उसको पूरा बिखर जाएगा। इसके बाद क्लोज, अंदर इंटरनल जो हेड इंजरी होती है वो हो जाती है। इसके बाद बेस्ड ऑन सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कौन से, प्राइमरी हेड इंजरी एंड सेकेंडरी हेड इंजरी। तो ये हमारा था सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं ओपन हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ हेड इंजर्ड डैमेज ऑफ द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन जो होता है वो डैमेज होता है इस कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद जो क्लोज है उसमें इन दिस टाइप ऑफ हेड इंजरी डैमेज ऑफ द स्कल एंड लेयर्स ऑफ द स्केपल, जो मतलब लेयर्स होती है मेनिंजाइटिस वगैरह की वो डैमेज होती है, और स्कल जो है उसमें डैमेज होता है। इसमें ओपन हेड इंजरी मतलब जो डैमेज होता है वो ओपनली वाउंडेड नहीं होता है। तो ये था हमारा ओपन हेड इंजरी एंड क्लोज हेड इंजरी। अब मेन इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है, अदर टाइप्स, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कॉन्क्यूजन, इन दैट इंटरनल इंजरी ऑफ ब्रेन, मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनल इंजरी ऑफ द ब्रेन। टेम्परेरी लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सेंस ऑर्गन वगैरह वो क्या है, काम करना बंद करते हैं। इसके बाद कॉन्ट्यूजन, इन डेट इंजरी कॉज्ड बाय ब्लीडिंग, इसमें क्या, ब्लीडिंग के कारण इंजरी होती है। इस और फ्लूड इज ट्रांसफ्यूड, जो CSF फ्लूड होता है वो भी ट्रांसफ्यूड हो जाता है, ब्लड उसमें चला जाता है। इसके बाद है थर्ड हमारा हेमोरेजिक क्लॉट ऑफ ब्लड के कारण क्या है, हमारा हेड इंजरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ हेड इंजरी। सबसे पहले वीकनेस, ब्लड विजन, यदि उसको हेड इंजरी तो ब्लड विजन तो होगा ही सही, मतलब उसको धुंधला दिखेगा, वर्टिगो मतलब चक्कर आएंगे, हेडेक होगा उसको। इसके बाद हेलोसाइन क्या होता है, CSF जो फ्लूड होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड इंक्लूड हो जाता है, इसको कहते हैं हेलोसाइन। इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये। इसके बाद कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज हो जाता है, और ब्लीडिंग तो होएगी सही, हेड इंजरी ओपन होगी या फिर क्लोज होगी तो भी उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, किस वजह से हुआ है, RTA मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई और है उस कंडीशन में। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन करेंगे। इसके बाद स्कल एक्सरे और चेस्ट एक्सरे। इसके बाद CSF एनालिसिस करेंगे, CT स्कैन एंड MRI, CT स्कैन और MRI करेंगे, और ब्लड टेस्ट। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कॉमनली हमको लिखना ही है हर किसी में, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पैरालिसिस, अमेनिशिया, पैरालिसिस मतलब लकवा हो जाएगा, इस अमेनिशिया मेमोरी लॉस हो जाएगी, कोमा कंडीशन हो सकती है, या फिर इसको डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो
तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। हमने इसको दो, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कौन कौन से होती है, आइब्यूप्रोफेन वगैरह जो होती है ड्रग्स, वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, वो प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड है एंटी कोगुलेंट ड्रग, हिपेरिन हो गई, वारफेरिन हो गई, वो ड्रग्स एनाल्जेसिक, दर्द वगैरह है तो उसको कम करेंगे, तो पैरासीटामोल हो गया या फिर मॉर्फिन सल्फेट वगैरह उसको देंगे। ऑस्मेटिक डायूरेटिक ड्रग्स कौन सी होती है, मेनिटोल, मेनिटोल जो होती है वो डायूरेटिक ड्रग्स होती है। इसके बाद इसको प्रोवाइड करेंगे एंटी सीजेरियल मेडिकेशन, जैसे इंजेक्शन फिलिटोनिक, जैसे 300 से 400 mg। ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम इसकी बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की, जिसमें क्रेनियोटोमी, क्रेनियल ओपनिंग ऑफ द क्रेनियम, जो क्रेनियम जो बोन होती है उसको ओपन करेंगे। इसके बाद इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो असिस्ट द क्लाइंट कंडीशन, पेशेंट की जो कंडीशन उसको असिस्ट करेंगे, चेक द वाइटल साइन। ये जो नर्सिंग असिस्टमेंट मैनेजमेंट है वो कॉमन है, मतलब आप हर किसी डिजीज में आप ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद चेक द मेंटल स्टेटस ऑफ क्लाइंट, मतलब उसका मेंटल स्टेटस चेक करेंगे, ओरिएंटेड है या नहीं है। इसके बाद प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।